हेलो हाय एंड नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सो आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड्स में देखा होगा कई जगह पर CRL लिखा हुआ होता है। बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता, बहुत से लोगों को इसके बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है, तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये मेज़रमेंट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए होती है। पहली तिमाही में इस मेज़रमेंट को ध्यान में रखते हैं प्रेगनेंसी में, अल्ट्रासाउंड्स में। बाकी आपको जो लेवल 2 होता है उस अल्ट्रासाउंड्स में या बाकी के अल्ट्रासाउंड्स में CRL लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मेरा अल्ट्रासाउंड है वो 8 weeks and 5 days का है। सो यहाँ पे CRL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी क्राउन, ड्रम एंड लेंथ। सो ये आपकी CRL लिखी हुई होती है। सो यहाँ पे जो मेरी बेबी की क्राउन रम्प लेंथ है वो है 20.8 mm, 20.8 mm क्राउन रम्प लेंथ है। CRL है 8 weeks and 5 days पर। सो इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि आपके बेबी की जो सर है उससे लेकर पैर तक जो उसकी लेंथ होती है उसकी मेज़रमेंट होती है। तो समझ लीजिए आपके बेबी की लंबाई इतनी है, 20.8 mm। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके बेबी की हाइट, आपके बेबी की ग्रोथ कितनी हो रही है, सही है या नहीं है। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कम्प्लीटली। वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।